प्रदेश में पिछले 24 घंटों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। प्रदेश में कोकसर में 1 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया है, जो कि जिला लाहौल स्पीति में है, और जिला चंबा में भरमौर में 2 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और जो तापमान है, तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक रहे हैं, और अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से कम रहे हैं। और जो प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है वो कल्पा में 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, शिमला में अधिकतम तापमान 13.6 और जो न्यूनतम तापमान है वो 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर, आगामी दिनों में मौसम किस तरह का रहने वाला है? आने वाले दिनों में मौसम जो है ये 28 और 29 तारीख को मध्यवर्ती और ऊंची पहाड़ियों में एक दो स्थानों पर बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, और 30 तारीख को प्रदेश में मध्यवर्ती और ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, और मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। सर्वे पर बात की जाए, जिस तरह से मौसम खराब बना हुआ है, तो क्या आने वाले दिनों में या शिमला में बर्फबारी की कोई संभावना बन रही है? अभी शिमला के तापमान ज़्यादा चल रहे हैं, तो शिमला में अभी आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना नहीं है। बर्फबारी की संभावना जो है जो ऊंची पहाड़ियों में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kstreet।